अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा साहब की डेथ हो गई है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो हकीकत में इंसानियत निभाता था। आप पर्यावरण की बात कर लीजिए या फिर आप देखिए समाज की बात कर लीजिए, सभी की देखभाल इन्होंने की हुई है। आपने देखे बड़े बड़े आंदोलन से भी जुड़े रहे हुए हैं, तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी तो मालूम होनी चाहिए हमें। देखिए ऐसे व्यक्ति कम ही जन्म लेते हैं जो अपनी इंसानियत निभाते हैं। आप कह सकते हैं कि इनकी डेथ के साथ एक युग की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। और ये जानकारी आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहती है, और वैसे भी ऐसे महान लोगों के बारे में हम सबको मालूम भी होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो इनका एक सामान्य परिचय, जिससे क्या कह सकते हैं आप लोग, बायोग्राफी भी कह सकते हैं, इनकी जीवनी भी कह सकते हैं। तो देख लीजिए इनकी पिक्चर है, फोटो आप देख सकते हैं। और इनके नाम की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि इनका नाम, वास्तविक नाम सुंदरलाल बहुगुणा है, और इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता था, वृक्ष मित्र। और आपने देखा होगा इन्हें हिमालय की रक्षक के रूप में भी जानते हैं। आपसे वन डे एग्जाम या कहीं पूछ ले किसी परीक्षा में कि वृक्ष मित्र के नाम से किसे जाना जाता था या हिमालय के रक्षक के नाम से किसे जाना जाता था, तो याद रखिए सुंदरलाल बहुगुणा साहब को। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो 9 जनवरी 1927 को मरोड़ा टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में होता है। एक बार आप लोग उत्तराखंड को देख लीजिए, देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, और इसमें आप देखेंगे एशिया में ये हमारा प्यारा भारत, और अपने पड़ोसियों को भी देख सकते हैं आप लोग, ये श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ए अफगानिस्तान, ए चाइना, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया था उत्तराखंड। कब बनाया गया था? 9 नवंबर सन 2000 को। इसकी राजधानी आपको देहरादून देखने को मिलेगी। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ विधानसभा सीटें आपको 71 देखने को मिलेगी, और राज्यसभा सीटें 9, लोकसभा सीटें 5 देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट आप लोग याद रखिए, यहाँ क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसकी सीमा आप देखेंगे चाइना से भी लगती है, तिब्बत वाले हिस्से से, और नेपाल से भी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और अगर राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि राज्यों की सीमा के बारे में भी पूछ लेता है कि इस राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय किस देश से लगती है या इस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो इस तरह के कई बार क्वेश्चंस बन भी जाते हैं। तो यही उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। और इनके अगर हम लोग पिताजी की बात करें तो अंबादत्त बहुगुणा इनके पिता का नाम था, और माता की बात करें तो पूर्णा देवी इनकी माता थी, और इनकी पत्नी जीवन साथी की बात करें तो बिमला बहुगुणा इनका नाम था, और इनके बच्चों की बात करें तो राजीव नयन, माधुरी पाठक और प्रदीप बहुगुणा, ये 3 इनके बच्चे थे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की, तो प्राथमिक शिक्षा के बाद वे लाहौर चले जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा इनकी भारत में ही होती है, उसके बाद क्या होता है, लाहौर चले जाते हैं, वहीं से भी कला स्नातक की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, वरना आप देखते हैं कि आपके यहाँ देश में अनपढ़ भी नेता बन जाते हैं, और वो उसी का आपको रिजल्ट भी देते हैं। इनके व्यवसाय की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और गांधीवादी भी रहे और पर्यावरणविद भी हैं, यानी कि इन सभी क्षेत्रों से जुड़े रहे हैं। देखिए वादी शब्द का मतलब होता है किसी विचारधारा से, जैसे गांधीवादी यानी कि गांधी गांधी की विचार से जुड़े रहे थे, विचारधारा से, ठीक है। और इनके योगदान की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने अपनी पत्नी जो श्रीमती बिमला थी, इनके सहयोग से सिल यारा में पर्वतीय पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी, और 1949 में मीराबेन व ठक्कर बप्पा के संपर्क में आने के बाद सुंदरलाल बहुगोड़ा ने दलित वर्ग के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया। और उसमें आप देखेंगे टेहरी में इन्होंने ठक्कर बाप्पा हॉस्टल की स्थापना भी की थी, और आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो ठक्कर बाप्पा के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा। और आप देखते हैं कि पहले आप जानते हैं कि दलित थे, जो लोग पिछड़े हुए थे, उन्हें मंदिर में भी प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो इन्होंने मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी किया उन लोगों को।
और 1969 में 1971 में आप देखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन का अनशन भी किया था। और आप देखते हैं कि चिपको आंदोलन के बाद विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। और चिपको आंदोलन के बारे में आपके कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, तो चिपको आंदोलन के बारे में भी देख लीजिए। इसमें सीधी सी बात है कि लोग जब वृक्ष काटने लगे कोई, तो लोग उस वृक्षों से चिपक गए, इसीलिए इसका नाम भी चिपको रख दिया। इसमें आप देखेंगे पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1970 में ये शुरू हुआ था आंदोलन और पूरे भारत में फैल लगा। चिपको आंदोलन उसी का एक हिस्सा था। गढ़वाल हिमालय में पेड़ों के काटने को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन बढ़ रहे थे और 26 मार्च 1974 को चमोली जिला की ग्रामीण महिलाओं और उस समय पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने के लिए आए। आप समझ रहे हैं कि कई कॉन्ट्रैक्ट लेते लेते थे पेड़ काटने की, और उसी का हम लोग भुगतान भी कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जो ऑक्सीजन फ्री में मिलती थी, आज उसके लिए हम लोग तरस रहे हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि पेड़ कम से कम हमारे जो पूर्वजों ने संभाल के दिया हुआ है, उसे हम लोग आगे बढ़ाएं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। एक समय आप लोग भी देखते होंगे कि जब भी आप लोग स्कूल घर से निकलते थे तो काफ़ी जंगल देखा करते थे, पेड़ भी देखा करते थे। आपने देखा गांव में कूलर पंखा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, एसी फेसी की। आप देखिए पर्यावरण में बदलाव हुआ और आप देख रहे हैं गांव में भी एसी की ज़रूरत पड़ने लगी। वरना आपने देखा होगा कि कोई भी पेड़ है उसके उसके नीचे खटिया आपने बिछाई और सो गया आराम से। तो ये सभी हमारा ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हम पर्यावरण को दे रहे हैं वही हमें वापस भी मिल रहा है। तो आप लोग जब भी खुशी का माहौल हुआ करे, बर्थडे या कोई वो प्रोग्राम है, तो आप लोग एक दो पेड़ लगा सकते हैं। आप देखते हैं कि इतना पैसा आप लोग फूंक देते हैं पार्टियों में, एक दिन में कोई मालूम भी नहीं चलता है। और आप देखिए पेड़ लगाएंगे तो कम से कम आपको जब तक पेड़ रहेगा आपकी याद बनी रहेगी, ऑक्सीजन भी देगा, छाया भी देगा, ठीक है। और यह विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया और 1980 की शुरुआत में बहुगुणा ने हिमालय की 5,000 किलोमीटर की यात्रा भी की। और उन्होंने यात्रा के दौरान गांव का दौरा भी किया और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का संदेश भी फैलाया। और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी भेंट की और इंदिरा गांधी से 15 सालों तक के लिए पेड़ों के काटने पर रोक लगाने का आग्रह भी किया। और इसके बाद आप देखेंगे पेड़ों के काटने पर 15 साल के लिए रोक लगा दी थी। और उसी की आप देखिए उसी का हम लोग फायदा भी ले रहे थे। अगर हमारे पूर्वज आप सोचिए पेड़ ना लगाते, सुरक्षा ना रखते, तो ऑक्सीजन के लिए आज हम जो जिस तरह से तरस रहे हैं इससे बुरी स्थिति होती है। तो कम से कम हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो बचा के रखना चाहिए। एक आप देखिए ये भी कई बार आपका वैसे मालूम होना चाहिए, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन का एक अच्छा बाग, मतलब सबसे चर्चित बाग उस समय कौन रहा है? क्या जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार? अगर ये ना हो तो आप समझिए कि क्या हम लोगों का अस्तित्व हो सकता है, क्या जीवन हो सकता है? आप देखिए कई ग्रह हैं आपके पास, फिर वही आप देख रहे हैं कि वहां जीवन संभव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी जरूरी है एक तरह से। आप ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपके फेफड़ों के एक हिस्से पेड़ भी हैं। आप कह सकते हैं कि जो सर्कल चलता रहता है, आप कार्बन डाई सीओ टू छोड़ रहे हैं, वो ले रहे हैं, वो से ऑक्सीजन में बदल दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपका एक भाग अगर फेफड़ों का खत्म हो जाएगा तो क्या जीवन संभव हो पाएगा? ये हमें समझना होगा, और आज नहीं समझेंगे हम लोग पछताएंगे जरूर, ठीक है। और आगे देख सकते हैं आप लोग, एक टिहरी बांध को लेकर भी आंदोलन हुआ था, उसमें भी इनका अहम भूमि एक तरह से जिम्मेदारी निभाई थी इन्होंने। उन्होंने कई बार भूख हड़ताल भी की है, और उस समय की जब टिहरी जो बांध था इसके खिलाफ आंदोलन हुआ, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, के शासन काल के दौरान उन्होंने 1.5 महीने तक भूख हड़ताल भी की। आप सोचिए किसके लिए किए? वो चाहते तो अपना जीवन आराम से निकाल सकते थे। आप सभी जानते हैं इसे कि इतिहास में उसी को जगह मिलती है जिसने कर्म किए हो, समाज के लिए कुछ किया हो।
आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही आपको इतिहास याद रखता है, वरना आप सोचिए कई लोग इस पर जन्म लेते हैं मर जाते हैं, कौन देखने आता है। आपने देखा होगा कोई 150 साल जीता है लेकिन फिर भी इतिहास में उसका नाम नहीं रहता है, कोई 20 साल जीता है, कोई 15 साल जीता है, कोई 30 साल, उसका आप देखते हैं कि जब तक धरती रहेगी, जब तक यहाँ जीवन रहेगा, तब तक आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का इतिहास में नाम बना रहेगा। आप किस तरह से काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसी हिसाब से आपको इतिहास में जगह भी मिलेगी। आप सभी ने 1857 के आसपास का इतिहास पढ़ा होगा। आप सभी जानते हैं कि सिंधिया घराने को अभी भी स्पेशल कोई बुक्स उठा के देगी आप लोग, गद्दार कहा जाता है, क्योंकि आप समझिए कि उस समय तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करवा के भले ही अपना साम्राज्य बचा लिया, लेकिन आप सोचिए कि आज क्या हाल है। उस समय आप लोग देखिए, आज़ादी से पहले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आतंकवादी कहा जाता था, देशद्रोही कहा जाता था, लेकिन आज हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। तो देखिए, आने वाले इतिहास में मूल्यांकन होगा कि सही क्या था, गलत क्या था, ठीक है। और जीना देखिए, ठीक है, आपको अगर लगता है कि आप 150 साल जीते रहे मुंह बंद करके, तो वो अलग बात है। सालों तक आप देखेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद 2004 में बांध पर फिर से काम शुरू किया गया, और उनका कहना था कि इसके लिए धनी किसानों को फायदा होगा और टिहरी के जंगल में बर्बाद हो जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि एक बार जंगल बर्बाद करना, फिर दोबारा उतना ना तो कहीं जंगल लगा पाते हैं पेड़, ना ही कभी कुछ कर पाते हैं। आप देखते हैं बहुत सारा पैसा का फंड होता है, रिलीज होता है पेड़ लगाने के लिए। आपने देखा होगा कि सड़क के आसपास पेड़ लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल भी तो करनी होगी। आप देखते हैं कुछ समय के बाद वो या तो कोई जानवर खा जाता है या सूख जाते हैं। तो केवल नीति बना देना या कोई रिलीज फंड कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। धरती पर कितनी वो नीतियां लागू हो रही हैं, क्या हो रहा है, ये मायने रखता है। पैसा तो जनता का है, बर्बाद करते रहिए आप लोग, ठीक है। और कई लोगों के मन में रहता है कि मैं टैक्स नहीं देता हूं तो क्या मेरा पैसा कहां से हुआ। देखिए, आप लोग मोबाइल खरीदते हैं, आप लोग कम से कम आप लोग साबुन तो खरीदते होंगे ना, उस पर आप देखिए आप लोग टैक्स देते हैं इनडायरेक्ट, तो आपका भी योगदान है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे बांध भूकंप का सामना कर लेगा, लेकिन यह पहाड़ियां नहीं कर पाएंगी। और उन्होंने कहा है कि पहले से ही पहाड़ियों में दरार पड़ गई है, अगर बांध टूटा तो 12 घंटे के अंदर बुलंदशहर तक का इलाका उसमें डूब भी जाएगा। इनकी दो किताबें, कुछ किताबें और भी हैं, लेकिन ये आपकी मेन किताबें हैं इसकी। इसमें एक तो आपको याद रखना है धरती की पुकार, दूसरी इनकी बुक्स थी का नाम था भू प्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर, क्योंकि कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि एक किन की बुक थी, इस तरह के भी क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, ठीक है। इन किताबों को भी याद रखिए, और इन्हें आप देखेंगे कि कई पुरस्कार भी दिए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब अच्छा काम करोगे तो उसके लिए पुरस्कार भी तो मिलेंगे। आप देखेंगे इन्हें, इनके काम के लिए अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कार दिया था। इसके अलावा आप देखेंगे कई बार पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, और पर्यावरण को स्थायी संपत्ति बनाने मानने वाला यह महापुरुष पर्यावरण गांधी बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में 1981 में स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबल पुरस्कार भी इन्हें मिला, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया, और जिन्हें यह कहकर स्वीकार नहीं किया जब तक पेड़ों की कटाई जारी है, मैं इसको सम्मान को योग्य नहीं समझता हूँ, ठीक है। 1985 की बात है कि इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मिला हुआ है। और आप देखेंगे 1986 में रचनात्मक कार्यों के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, और फिर आप देखेंगे 1987 में राइट लवलीहुड पुरस्कार चिपको आंदोलन से सम्मानित भी किए गए हैं, चिपको आंदोलन के लिए ने, ठीक है। 1987 में आप देखेंगे शेर ए कश्मीर पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1987 में आप देखेंगे सरस्वती सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ, और 1989 में इन्हें सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर की मानद उपाधि IIT रुड़की द्वारा दी गई, और 1998 में पहल सम्मान से भी नवाजा गया,
1999 में आप देखेंगे गांधी सेवा सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया। सन 2000 में आप देखेंगे सांसदों के फोरम द्वारा सत्यपाल मित्तल अवार्ड भी इन्हें दिया गया। सन 2001 में आप देखेंगे पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ये सभी इनके पुरस्कार हैं। जब आप काम करोगे कुछ अच्छा तो आपको पुरस्कार जरूर मिलेंगे। और अंतिम यात्रा जो आप सबकी आती है, बीच का समय रहता है वही मायने रखता है और उसी की वजह से सब इतिहास बना रहता है, ठीक है। और लास्ट में होता है जो वही हुआ, 21 मई सन 2021 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान ऋषिकेश उत्तराखंड में इनकी डेथ हो जाती है। जन्म से आप देखिए कि बीच में जन्म से डेथ के बीच आप कह सकते हैं, इसमें जो काम किया हुआ है उसी की वजह से हम लोग इनकी बायोग्राफी देख रहे हैं। वरना आप समझ सकते हैं कि करोड़ों अरबों खरबों लोग जन्म ले रहे हैं, किनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? गिने चुने लोगों के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में यही पॉइंट याद रखिए, अगर कभी क्वेश्चंस बनता है तो इन्हीं से आएगा, और वैसे भी आपको एक सामान्य जानकारी भी बनी रहनी चाहिए इनके बारे में। चलिए मिलते हैं हम लोग।